नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की SU-30 MKI एयरक्राफ्ट की तरफ से, जो कि वर्तमान इंडियन एयरफोर्स का मेन एयर सिक्योरिटी फाइटर जेट है। अब पहले हम इसमें मेनली रशियन ओरिजिन वेपन्स का इस्तेमाल करते थे और मेनली हमारे जो BVR और क्लोज रेंज की मिसाइल हुआ करते थे वो रशियन ओरिजिन R-77, R-27 या R-73 जैसे मिसाइल हुआ करते थे। लेकिन रशियन मिसाइल की एक दिक्कत ये है कि ये वर्तमान की मॉडर्न काउंटर मेजर सिस्टम के अगेंस्ट में काफ़ी आउटडेटेड बन चुके हैं। इसके अलावा इसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी कम होती है और ये वक्त से पहले ख़राब होने लगते या ऑपरेट करने लायक नहीं रहते। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी रशियन ओरिजिन मिसाइल्स को रिप्लेस करने का फैसला किया गया था। सबसे पहले अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को हम अभी हमारी सभी सुखोई फ्लीट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो कि R-77 मिसाइल को रिप्लेस करके हमारी स्टैंडर्ड VVR मिसाइल बनने वाली है। लेकिन अभी भी हम क्लोज रेंज या विजुअल रेंज के एंगेजमेंट के लिए इसमें R-73 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फिलहाल हमारे पास कोई भी देसी अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, यानी कि R-73 को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कोई भी इंडिजिनस हीट सीकर मिसाइल मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एस-3 मिसाइल को R-73 मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इसका एक मेजर कारण ये भी है कि एस-3 मिसाइल की परफॉर्मेंस R-73 से काफ़ी बेहतर है और इसमें R-73 के मुकाबले काफ़ी बेहतर ऑफबोर्ड लॉन्च कैपेबिलिटी मिल जाती है और साथ ही अभी इस मिसाइल को भारत में भी बनाया जा रहा है, तो हमें फ्यूचर में इसकी प्रोडक्शन को लेके कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनिशियल इन मिसाइल को जगुआर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन बाद में इनको Tejas MK-1A में और अभी इनको सुखोई में भी स्टैंडर्ड क्लोज रेंज की मिसाइल के तौर पर या हीट सीकर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। अभी हमारे सुखोई में इन मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है और जल्दी ही इनकी टेस्टिंग को करने की बात किया जा रहा है और अगर सब कुछ सही चलता है तो हमारे सुखोई फ्लीट में अभी R-73 के बदले हम S-3 मिसाइल को स्टैंडर्ड विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन फिर भी इसमें MBDA की तरफ से भारत को मदद करना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि S-3 में एक यूरोपियन ओरिजिन मिसाइल होने वाली है और सुखोई जैसे रशियन ओरिजिन प्लेटफॉर्म में इसमें इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। खास करके इनकी सेंसर्स और रडार्स के साथ मिसाइल को इंटीग्रेट करने में थोड़ी बहुत परेशानी हमारे सामने आने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें अगर MBDA भारत को मदद करता है तो यकीनन इसको जल्दी सुखोई में इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया जा सकता है और इसके बाद ये इंडियन एयरफोर्स का स्टैंडर्ड मिसाइल बन सकता है। अगला अपडेट मिट्योर मिसाइल की तरफ से है, जिसको वर्तमान दुनिया का सबसे बेहतरीन VVR मिसाइल कहा जाता है। अभी भारत के पास भी ये मिसाइल मौजूद है, जो कि किसी भी जंग जैसे हालात में हमें हमारे दुश्मन देशों के मुकाबले बेहतर VVR कैपेबिलिटी को ऑफर करने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इस मिसाइल को सिर्फ रफाल में ही फायर किया जा सकता है, फिर रफाल में इस्तेमाल किया जा सकता है और अभी हमारे पास बस 36 रफाल मौजूद है, क्योंकि किसी भी फुल स्केल की लड़ाई में हमको फुली डिपेंड करने में सफिशियंट नहीं होने वाले, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी बाकी एयरक्राफ्ट जैसे कि SU-30 MK और Tejas में भी मैच्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए MBDA के साथ बातचीत करना शुरू किया गया था। लेकिन इसके लिए पहले MBDA की तरफ से सीधे तौर पर भारत को मना कर दिया गया था, क्योंकि वो किसी भी रशियन ओरिजिन या नॉन यूरोपियन ओरिजिन रडार के साथ मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करना नहीं चाहते थे। और इसी वजह से पहले जब भारत की तरफ से Tejas MK-1A में या Tejas MK-2 में मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया था तो मना कर दिए थे, लेकिन अभी MBDA की तरफ से ये बात बताया जा रहा है कि वो अभी मिट्योर मिसाइल को भारत की Tejas MK-1A फ्लीट में इंटीग्रेट करने के लिए परमिशन देने वाले हैं। लेकिन कंडीशन ये कि जिन भी Tejas MK-1A में इंडियन ओरिजिन ASR रडार मौजूद रहेगा उसमें जाके मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी कि जिन Tejas MK-1A में इजरायली ओरिजिन 2052 सीरीज के रडार रहेगी उसमें मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा और जितने Tejas MK-1A में उत्तम ASR रडार मौजूद रहेगा उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, उसमें MBDA की तरफ से अपनी मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस दे दिया जाएगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद भारत के पास कई ऑप्शन खुलने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के उत्तम ASR रडार सिर्फ हमारे Tejas MK-1A में नहीं बल्कि Tejas MK-2 MK और हमारी सुखोई फ्लीट में भी इस्तेमाल होने वाली है और ये एक अच्छा संकेत है कि आगे चल के हम सभी एयरक्राफ्ट में मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं।
वैसे इनिशियल प्लान के मुताबिक तेजस MK1A की वेपन पैकेज में ही अभी मिट्योर मिसाइल को ऐड किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद वैसे भी हमारे पास मिट्योर मिसाइल की स्टैंडर्ड की हमारी खुद की SFDR मिसाइल यानी कि अस्त्र Mark 3 मौजूद होने वाली, लेकिन तब तक अगर हम रफाल के अलावा हमारे बाकी किसी इकराब में मिट्योर मिसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि अभी मिट्योर मिसाइल के अलावा हमारे पास ऐसा दूसरा कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है जो कि चाइना और पाकिस्तान के पास मौजूद PL-15 जैसे VVR मिसाइल को आउटमैच कर पाएगा, जिस वजह से अस्त्र Mark 2 और Mark 3 जैसे मिसाइल इंडक्ट होने से पहले मिट्योर मिसाइल हमारी VVR एडवांटेजेस का एक मेन वेपन बनकर रहने वाला है। अगला अपडेट एक मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर, जिसे अभी भारत और फ्रांस के बीच कंडक्ट किया जाने वाला है। इंडियन आर्मी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक 13 मई यानी कि कल से इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा। ये एक्सरसाइज 13 मई से लेकर 26 मई तक चलने वाली और इसको इस बार मेघालय की उमरोह में कंडक्ट करने की बात की गई है। इस एक्सरसाइज का नाम शक्ति और ये इस एक्सरसाइज का 7वां एडिशन है। इससे पहले 2021 में इस एक्सरसाइज की 6th एडिशन को किया गया था, जिसमें इसको फ्रांस की मिलिट्री स्कूल में कंडक्ट किया गया था। पिछली बार इसमें हमारे गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें 3 ऑफिसर और 3 JCO भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस बार की बात करें तो इस बार इसमें कितने सोल्जर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कौन सा रेजिमेंट पार्टिसिपेट करने वाला है, ये बात तो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बार इसमें मल्टी डोमेन एक्सरसाइज करने की बात की गई है। पहले आमतौर पर इसमें यूनाइटेड नेशन मैंडेट के हिसाब से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन या एक्सरसाइज या काउंटर इंसर्जेंसी जैसे ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाता था, लेकिन इस बार इसमें इन सभी एक्सरसाइज के अलावा सब कन्वेंशनल वॉरफेयर को भी कंडक्ट करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।